दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है, वो कैसे हम लोग चेक कर सकता है। तो मैं आपको मेरे पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है चेक करके कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कृपया करके ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है उसका स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम बाजार को जो है नीचे आप देख सकते हैं कि क्रोम बाजार है उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको सिंपली सर्च करना है इनकम टैक्स। आपको इनकम टैक्स लिख के सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स लिख के सर्च करेंगे सबसे पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा incometax.gov.in। तो ये वेबसाइट को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप आसानी से ये वेबसाइट पर आ सके। तो चलिए ये वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। वेबसाइट को ओपन करने के बाद इधर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा लीजिए, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी आसान तरीके से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप आपके पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा नीचे जाएंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा लिंक आधार स्टेटस। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा और उधर आपको आपका पैन कार्ड का नंबर, आपका आधार कार्ड का नंबर जो है डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल्स है देखने को मिल जाएगा कि लिंक है या फिर नहीं है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ चेक करके। तो मैं दो पैन कार्ड को चेक करके आपको दिखाऊंगा कि अगर जिसके साथ लिंक रहेगा तो क्या मैसेज दिखेगा और अगर जिसके साथ लिंक नहीं रहेगा तो क्या मैसेज दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक पैन कार्ड को चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पैन कार्ड का 10 डिजिट का नंबर होता है, नंबर वर्ड्स मिला के उसको हम डाल देंगे। उसके बाद नीचे हमारा आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर आपको बता रहे पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विथ पैन। यानी कि ये जो पैन कार्ड हमारा है इसके साथ हमारा आधार कार्ड जो है लिंक नहीं है और हम अगर 31 मार्च 2023 से पहले लिंक नहीं करेंगे तो शायद आगे और ज़्यादा हमें पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो अभी जो है हम अगर लिंक करेंगे तो लिंक आधार के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आपको ये सारे डिटेल्स को भर के आप आसानी से 1000 रुपया दे के जो है आपको इसको लिंक कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपका पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है और आप नहीं जानते कि कैसे लिंक किया जाता है 1000 रुपया पेनल्टी देकर, तो मैं इसके बारे में एक कम्प्लीट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो वो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो को आप देख लीजिए और खुद ही आपके मोबाइल फ़ोन से ही आपके पैन कार्ड के साथ आप आधार कार्ड को जो है आसानी से लिंक कर पाएंगे। तो चलिए ये एक हो गया, इसके साथ हमारा पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है। अभी दूसरा एक पैन कार्ड चेक करके आपको दिखाएंगे जिनके साथ मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर लिंक रहेगा। तो चलिए हम इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद फिर से हमारे जो पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड का नंबर है डाल देंगे। उसके बाद नीचे हमारा आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर दिखा रहे योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर। यानी कि ये जो हमने पैन कार्ड सर्च किया है ये ऑलरेडी हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो आप देख सकते हैं कि दो पैन कार्ड आपके सामने मैं चेक करके दिखाया हो कि अगर लिंक रहेगा तो क्या मैसेज दिखेगा और अगर लिंक नहीं रहेगा तो क्या मैसेज दिखेगा। और अगर लिंक नहीं रहेगा तो उसके नीचे आपको एक लिंक करने का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आसानी से जो है
आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को देख लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हो उसको देख के आप आसानी से आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और इस वीडियो से जुड़े हुए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नई नई ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।